साल 2020 ने कॉमनली हम सबको एक चीज सिखाई है, द न्यू नॉर्मल, और साल 2021 में हम सब उसके साथ जीना सीख रहे हैं। कट टू ईयर 2031, जहां पर सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, रोबोट्स हैं और रोबोट राइट एक्टिविज्म भी है। सुनने में बिजार लगता है, लेकिन दोस्तों भविष्य में आपका स्वागत है, और भविष्य में होने वाली ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी का स्नीक पीक एक आने वाली वेब सीरीज ओके कंप्यूटर दे रही है, जिसमें कमाल की स्टार कास्ट है, और उनमें से ही एक कमाल के एक्टर जिनको हमने पहले भी बहुत ज्यादा पसंद किया है, विजय वर्मा हमारे साथ है टू टॉक मोर अबाउट दिस सीरीज। सो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं निधि विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा विजय, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि जैसे मैंने कहा टॉपिक बहुत ही बिजार है, सुनने में अतरंगी लग रहा है, टीजर देखने में अतरंगी लगा, आपको शूट करते समय कितना अतरंगी लगा एंड हाउ डिड दिस रोल कम टू यू? मैंने बहुत सारा ज्यादा टाइम इस्तेमाल किया शूट शुरू करने से पहले। कुछ 4-5 महीने तक मैं इस दुनिया को समझता रहा, रिहर्सल करता रहा, एडिटिंग करता रहा, तो वो धीरे धीरे अपनाता गया मैं उसको, और उसका जो पागलपन है वो धीरे धीरे मेरे लिए मिटता गया और मेरे लिए वो एक रेगुलर दुनिया बन गई थी। और लेकिन शूट में बहुत दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है, मैं हंसी रोक नहीं पाता, और मेरे साथ कुछ ऐसे साझे हुए मजे हुए कलाकार हैं जिनको इस तरह के सिचुएशंस और डायलॉग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जो मुझे बहुत ज्यादा हंसाते थे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैंने किया अपने आप को हंसी अपनी हंसी रोकने में शूटिंग के दौरान, और एडिट के दौरान मुझे मैसेजेस आ रहे थे, वीडियो क्लिप्स भेजे जा रहे थे कि देखो तुम यहाँ पर हंसने लग गए थे, देखो तुम वहां पर हंसने लग गए थे। तो काफी लोगों को मेहनत करनी पड़ी कि मैं अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हिलेरियस सिचुएशन है और बहुत ही ज्यादा कमाल के एकदम मतलब अतरंगी कैरेक्टर्स हैं इस शो में। ओके, लेकिन जब आपको ये रोल ऑफर किया गया, क्योंकि जो टॉपिक है अपने आप में बड़ा ही अनकन्वेंशनल है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन ये था कि ये यहाँ पर नहीं बन सकता। फिर मैंने इसकी तरफ जब मुझे मिला था तो मैं पढ़ा, मैंने कहा ये तो बन नहीं सकता यहाँ पर, पता नहीं कैसे होगा। तो फिर मैं दूसरी जगह देखने लग गया, दूसरी चीजों की तरफ ध्यान चला गया। फिर एक दिन आनंद गांधी ने मुझे पकड़ा और पृथ्वी थिएटर के बाहर, बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर के बाहर पकड़ा, और उन्होंने मुझे पूरी तरह से कन्विंस कर दिया था कि ये बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे और तुम ये पार्ट कर सकते हो और हम चाहते हैं कि तुम ही ये करो। उसके बाद एक बार जब मैं इसमें से मैं जुड़ा, उसके बाद फिर मैंने उनसे एक ही शर्त रखी थी कि मुझे काफी सारा टाइम बिताना पड़ेगा आप लोग के साथ समझने के लिए कि हो क्या रहा है, कैसे बना सकते हैं, कैसे ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहली बार कॉमेडी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो कुछ 4-5 महीने मैंने उनके साथ बिताया, उसके बाद में हमने शूट चालू किया, कुछ टेस्ट शूट्स किए, कुछ रिहर्सल्स किए, काफी दो बार तो हमने सीन्स पूरी तरीके से शूट किए देखने के लिए कि कैसे वीएफएक्स होगा, टाइमिंग बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये पैशन प्रोजेक्ट है, पूरा दिल से बनाया हुआ। लेकिन जैसे अब आपने कहा कि आपको फर्स्ट रिएक्शन था कि ये यहाँ तो बन ही नहीं सकता, और आप काफी एप्रीहेंसिव भी थे कि ऑडियंस को कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी, लेकिन अब जो टीजर को रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह के रेव रिव्यूज मिल रहे हैं, तो नाउ व्हाट डू यू फील? नहीं, मैं एप्रीहेंशन मेरे सारे चले गए जैसे ही हमने काम चालू कर दिया, और शूटिंग के बीच में तो मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मुझे इन लोगों के साथ दोबारा काम करना ही है, क्योंकि इतना बढ़िया काम हो रहा था और करने में बहुत मजा भी आ रहा था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे खूब सारी कॉमेडीज भी करूंगा, क्योंकि मुझे ये बहुत इंटेंस डार्क ड्रामेटिक रोल कर करके मैं मतलब एक तरीके से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट बीइंग ऑन अ सेट विच इज फनी इज द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्ट मोर ऑफ इट। तो एप्रिहेंशन सारे जाते गए, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो गया था कि ये स्टोरी है ये, और मैं आज की जनता को थोड़ा सा समझता भी हूँ ऑडियंस को, जो बहुत ही इवॉल्व कंटेंट देख रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान से सब जगह से, तो ये उनके लिए भी है और ये वैसा शो है जो मैं बहुत यू नो बीइंग वेरी प्राउड आई कैन कीप इट ऑन माय चेस्ट एंड से दैट दिस वी मेड दिस यू नो। तो मुझे बहुत ज्यादा डर नहीं है, मुझे ये जरूर नहीं पता कि ह्यूमर कब करेगा कब नहीं करेगा या ओवरऑल थीम समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि सब लोग ये बोलेंगे कि सबसे नई चीज और सबसे नया टेक है इस जॉनरा में, और पहली बार ये जॉनरा बन रहा है करेक्ट करेक्ट साईफाई कॉमेडी।
करेक्ट. ऑल्सो अगर हम साइंस फिक्शन जॉनरा की बात करें तो जैसे मैं पहले पूजा और नील से भी मैंने इंटरव्यू में बात की थी कि ये कैसा जॉनरा है जिसमें बॉलीवुड के भी काफी फेल्ड अटेम्प्ट्स रहे हैं ऑडियंस की एक्सेप्टेंस पाने में. उनके हाँ एप्रीहेंशंस के बारे में मैंने बात की. बट एज एन एक्टर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए भी एक रिस्क फैक्टर रहता है एक अनटच जॉनरा अगर है या ऐसा जॉनरा जिसको बहुत एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं मिली है तो उसमें कुछ अपना आर्ट डालना आपके लिए एप्रीहेंशन रहता है. एप्रिहेंशन ये रहता है कि आप जितना टाइम या जितना आप अपने क्रिएटिव एनर्जी को जहां पर डाल रहे हैं वो उस तरीके से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ऑडियंस का रिएक्शन तो मेरे ख्याल से एक हद तक आप खाली एक सेंस कर सकते हो कि शायद ये वर्क करे या नहीं करे। पुख्ता तौर पे आपको नहीं पता होता है कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। ये हमने कोशिश की थी कि हमको बहुत अच्छा लगे हम जो बना रहे हैं, या हमको समझ में आए, या हम अपनी तरह से कन्विंस्ड हैं। और क्योंकि कॉमेडी है तो ये कितना भी आप रिहर्सल कर लो कुछ भी कर लो, या तो वो स्टेक में टाइमिंग आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ इसके बीच में कुछ नहीं होता है। इधर इट इज फनी और इट्स नॉट फनी, करेक्ट. एंड वी जस्ट मैनेज टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट वी हम लोग एक सीन जब भी अप्रोच करते थे तो सीन वर्क कर रहा है अपने आप में, लेकिन हाउ डू वी मेक इट फनी, दैट वॉज द ओनली अटेम्प्ट दैट वी वर थिंकिंग ऑन शूट। कि सीन में मैसेजेस पूरे जा रहे हैं, स्टोरी ए से बी जा रही है, कैरेक्टर सब समझ में आ रहे हैं, बट इस गिवन सर्कमस्टेंसेस में इतने रियलिस्टिक सेटअप में और इस तरह के किरदारों के साथ हाउ डू वी मेक इट फनी। तो द होल परस्यूट ऑन द शूट डेट वॉज अच्छा लग रहा है लेकिन फनी कैसे बनाए, तो करेक्ट करेक्ट. एंड हाउ डू वी कीप इट इवन यू नो। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू नील एंड पूजा हु सॉ दिस थ्रू एवरी डे इन डे आउट एंड हैड द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड पेशेंट अप्रोच टूवर्ड्स दिस प्रोसेस। इन द इट वॉज अ यंग टीम, मतलब सारे 20 से 25 की उम्र के लोग हैं जिन्होंने साथ में मिलके आए, और इसमें कैमरामैन से लेके जिसने सेट डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन, म्यूजिक एडिटर, एवरीबडी इज वेरी वेरी यंग। द होल असिस्टेंट एडी टीम, एवरीबडी वॉज जस्ट लाइक स्टार्टिंग आउट, मोस्ट ऑफ देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इज दिस, सो द पैशन दैट दे ब्रॉट वॉज समथिंग वेरी इन्फेक्शियस। अच्छा, आपने जैसे दो चीजें कही. एक तो ये डिफिकल्टी थी कि भाई वैसे भी अपने आप में कहते हैं कि लोगों को हंसाना मुश्किल होता है, रुलाना फिर भी आसान है. एक तो ये डिफिकल्टी कि जो हमारे पंचेस हैं या जो हमारे डायलॉग्स हैं क्या वो फनी इनफ हैं टू टिकल द फनी बोन ऑफ द ऑडियंस. तो दूसरा आपने कहा नील और पूजा काफी पेशेंट थे. बट मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी डिफिकल्टीज तो रही होंगी जहां पे पेशेंस लेवल सबका टेस्ट हुआ, क्योंकि एक तो ये ऐसा जॉनरा है जो बहुत नहीं ट्राई किया गया, वो भी साइफाई कॉमेडी. एंड द अदर थिंग इज बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े होंगे, क्योंकि आपको पूरा सेल्फ ड्राइविंग कार्स दिखाना है, काफी आगे की टेक्नोलॉजी दिखानी है. तो ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट आप शेयर कर पाए जहां एवरीबडी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ देयर पेशेंस. आई मीन गर्मी में शूट कर रहे हैं, एक रोबोट है अजीब जिसके साथ मेरे सीन्स हैं। अब उसके अंदर एक इंसान है जो एक्टर है बहुत अच्छे, उल्लास मोहन करके, केरला से। सो वो बॉडी सूट के अंदर जाते थे रोबोट अजीब के, और मैं उनके साथ सीन करता था, लेकिन आवाज उल्लास की नहीं है, आवाज नील की है जो शो के डायरेक्टर है। तो वो होता था कि मैं इनकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे क्यूज मिल रहे हैं कहीं और से, और फिर फीड ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो 3-way प्रोसेस था ना, इसमें मतलब ट्रायल एंड एरर बहुत हुए। बहुत बार ऐसा होता था कि अजीब को गाड़ी में बैठा के लेकर लेके जाना है, और एक आदमी अंदर है और वो सफोकेट हो रहा है, मतलब जो भी है उसमें वेंटिलेशन था बट गर्मी की वजह से एक इंसान रोबोट की बॉडी के अंदर घुसा हुआ है। और इस तरह का जब माहौल होता है तो आपको थोड़ा सा लगता है कि जल्दी से हो जाए, किसी को तकलीफ नहीं हो। तो वे आई लॉस्ट माई पेशेंस कपल ऑफ टाइम्स देयर, बट नील एंड पूजा दे नेवर लॉस्ट देयर कूल, दे वर वेरी वेरी चिल थ्रू आउट। सो विजय, दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी. 2031 की हम बात कर रहे हैं जहां ऐसी पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हो सकती है. लेकिन जो आपका कैरेक्टर है, आई थिंक वो ज्यादा टेक सैवी नहीं है, राइट? तो आप कितना पर्सनली उससे रिलेट नहीं करते है, हैं? मेरा कैरेक्टर काफी टेक सैवी है। अच्छा. इनफैक्ट ही इज इन द साइबर सेल बिकॉज ही नोज टेक। वो काफी एजुकेटेड है, काफी इनफैक्ट ही इज अ गीक, गीक टर्न सरकारी बाबू अच्छा काइंड ऑफ
काइंड ऑफ अ ग्राफ ही हैड. इट्स जस्ट दैट उसका कुछ अतीत रहा है, पास्ट रहा है टेक्नोलॉजी के साथ. उसके माता पिता डीजे हुआ करते थे, जिनका जॉब चला गया सॉफ्टवेयर जब से म्यूजिक बनाने लग गया. और कुछ काम के दौरान भी कुछ एक बहुत बड़ा केस उसके हाथ आ गया था, जिसमें उसको नाकामी मिली थी जो एआई के अगेंस्ट था. तो ही कैरीज द बर्डन ऑफ दैट पास्ट एंड ही वॉन्ट्स टू करेक्ट हिमसेल्फ एंड रिडीम हिमसेल्फ एंड एंड टीच अ लेसन टू द एआई. तो वो गुस्से में है और वो बहुत अकेले रहे, चार पांच साल तक लोगों से बात नहीं की है. तो एकदम मतलब जो उसका ही हैज लॉस्ट सोशल एबिलिटीज, लोगों से कैसे बात करना या किसी के साथ स्माइल कैसे करना सब भूल चुका है. वो सीरियस रहता है पूरा टाइम. ओके बट रियल लाइफ में कितने आप क्लोज हैं अपने इस कैरेक्टर के? आप सीरियस रहते हैं हमेशा, जैसे आपने कहा कॉमेडी से जॉनर जो आपने ट्राई नहीं किया, बट इन रियलिटी हाउ इज विजय एज अ पर्सन? अब ये तो यार ये तो विजय रोज बदलते रहता है. मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा कौन सा रूप सच है या कौन सा नहीं है. बट ये है कि मैं टेक्नोलॉजी से इतना नफरत नहीं करता हूँ जितना साजन कुंडू करते हैं. मैं तो एम्ब्रेस करके चलता हूँ टेक्नोलॉजी को, काफी काम आता है घर पे खाना ऑर्डर करके अब मैप में डायरेक्शन पकड़ के या. तो इट्स सो कन्वीनियंट. एंड हाँ, मुझे प्राइवेसी जो दांव पे लगी है उससे तकलीफ होती है, या मेरा जो डेटा है या मेरी जो बातें हैं या मेरी जो चॉइसेस हैं ये एक AI डिटरमाइन करेगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता. लेकिन वी हैव टू लिव विद इट एंड वी नीड मोर एथिकल पीपल सिटिंग इन टॉप पोजीशंस टू टेक केयर दैट दैट माय राइट्स आर प्रोटेक्टेड. लेकिन अदरवाइज समानता ये है कि एक ऑनेस्टी है, एक काइंड ऑफ पैशन है, एक क्या कहते हैं पैशन एंड ऑनेस्टी एंड गो गेटर एटीट्यूड जो है साजन का, वो उससे मैं कनेक्ट करता हूँ. उसका जो गुस्सा है वो मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मुझे बहुत कम गुस्सा आता है लाइफ में. हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं, तो आपने अभी तक आपका जो लाइन ऑफ वर्क रहा है, यू सेड नो टू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है जब आप कोई काम चुनते हैं? यू नो, इज इट द रोल दैट यू आर इन या प्रोजेक्ट की इन टोटैलिटी आप देखते हैं वैल्यू कितनी है? अभी थोड़ा बदल गया है और ये बदलता रहता है करियर के इस मुकाम में उसके हिसाब से. अभी ये है कि मुझे कुछ मुझे कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स करना है, सेंट्रल रोल्स करना है, ये एक मैंने कॉन्शियस चॉइस ली है. और दूसरा ऐसा कुछ करना है जो मैंने दोबारा पहले नहीं किया है, दोबारा अपने आप को दोहराना नहीं चाहता. और कुछ है बकेट लिस्ट आपकी जो होती है कि आपको इन लोगों के साथ जरूर काम करना है, तो उनके साथ उनकी तरफ से अगर मौका आता है तो आप फिर बहुत मन करता है कि ये किसी तरह से हो जाए. बाकी कोलैबोरेशन में हमेशा से देखते आया हूँ, जिन लोगों का काम मुझे पसंद आता है उनके साथ मैं हमेशा काम करते रहा हूँ, भले ही छोटा रोल हो या कुछ भी हो. तो वो कभी नहीं बदलेगा, या प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो या कौन माउंट कर रहा है इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता. ओके एंड आपकी काफी इंप्रेसिव अभी तक जो भी रोल्स आपने किए हैं वो रहे हैं, बट आई वांट टू नो विजय की जर्नी जो है टुवर्ड्स यू नो आपके इस ड्रीम फुलफिलमेंट की, वो कहां से और कब से शुरू हुई? वो तो जब आप घर छोड़ के जाते हो बम्बई एक्टर बनने और आपको पहली फिल्म मिल जाती है तो पहला आपका ड्रीम वही फुलफिल हो जाता है. फिर जब आपको फेलियर मिलता है या आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो फिर आपके ड्रीम एक्सटेंड होते जाते हैं. फिर आप चाहते हो कि सक्सेस मिल जाए, फिर आपका ड्रीम हो जाता है कि आप इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स फॉर्मिंग न्यू शेप्स. एंड राइट नाउ माय ड्रीम इज टू हैव वेरी लॉन्ग एंड सेटिस्फाइंग करियर. तो उसके तरफ ही गोल है मेरा कि कैसे मैं अपने आप को कम खर्च करते हुए लंबी पारी खेल सकूं. वाह वाह वाह, एंड ट्रूली हम सब यही विश करते हैं कि आप बहुत लंबी बहुत ही सक्सेसफुल पारी खेले और हमें ऑब्वियसली ऐसे एंटरटेन करते रहें. लास्टली हमारी जो व्यूअर्स हैं पंजाब के सी नवोदय टाइम्स के, कुछ मैसेज आप उन्हें कहना चाहते हैं? यू वांट टू से समथिंग टू देम? मैं यही कहना चाहूंगा पंजाब केसरी के व्यूअर्स को कि ये शो आ रहा है 26 मार्च को हॉटस्टार VIP पे ओके कंप्यूटर. इसके 6 एपिसोड है, फटाफट देखे जा सकते हैं. और ये एक ऐसा शो है जो आप परिवार वालों के साथ साथ में बैठ के देख सकते हैं. इसमें गाली गलौज या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक छोटे बच्चे को भी अनकंफर्टेबल कर सके, या आपके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हैं. एकदम फैमिली एक्सपीरियंस हो सकता है.
मेरे ख्याल से बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा बड़ों से, क्योंकि बच्चों का जो सेंस ऑफ इंटेलिजेंस है वो इस शो को ज्यादा इजीली कैच कर पाएगा. तो मेक श्योर योर किड्स आल्सो वॉच इट. ओके ग्रेट. सो विजय, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में, एंड इस शो के लिए और आगे के भी जो प्रोजेक्ट्स आप ले उनके लिए बहुत बहुत आपको गुड लक. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी. थैंक यू सो मच.